इसमें कुछ चीजें मैं डिलिबरेटली स्किप कर जाऊंगा। साहिर भाई, मेरा नाम आसिफ जहीर है, मेरी उम्र 27 साल है, मुझे 15 साल से शुगर है जिसकी वजह से मेरे गुर्दे खराब हो गए, मेरा 7 साल से डायलिसिस हो रहा है, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है जिसके लिए एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत है, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? मेरा नंबर ये है, मैं बफर जोन में रहता हूं, प्लीज डू समथिंग फॉर मी। 27 साल की उम्र, 15 साल से शुगर, मैं इसे क्यों रिलेट कर सकता हूं? दैट्स अ स्टोरी, दैट्स अ स्टोरी दैट आई डोंट वांट टू टेल, नो वन वुड नो, बट आई नो दिस, दुनिया में सबसे मुश्किल काम जिंदा रहना, और उससे ज्यादा एक और मुश्किल काम, फॉरगेट इट, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर आसिफ जहीर। याद नहीं मुझे कि जिंदगी कब इंसाफ करती थी और कब नहीं करती थी। जाने कितने बरसों से मैं डायलिसिस पे हूं, शायद 7 बरस गुजर गए, शायद 7 सदियां गुजर गई, लेकिन मैं डायलिसिस पे ही हूं। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि किसी रोज ये डायलिसिस खत्म हो और मैं आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन एक बात जरूर है, अगर ये खत्म नहीं भी होता तब भी मेरी हिम्मत में कमी नहीं आई। शायद मेरी कहानी आपको बहुत सादा लगे, लेकिन इस सादगी में जो हुस्न है, जो हिम्मत है, वो शायद आपको बहुत सारी और कहानियों में ना मिल सके। और वैसे भी मेरी कहानी किसी ने लिखी नहीं है, बल्कि मैं इसे खुद लिख रहा हूं। कहानी उस हिम्मत की जो मेरे अंदर रोज पैदा होती है, कहानी उन लम्हों की जहां मैं पल में जीता हूं। पल में सरासर दर्द होता है, तो इससे पहले कि उस दर्द की शिकायत करूं, दोबारा से जीने लगता हूं। मुझसे मिलना चाहेंगे, यह है मेरी कहानी। मेरा नाम आसिफ जहीर है। Assalamualaikum Asif. Sound. How are you? I am fine, sir. तुम कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। हुमायूं ममालिक, आसिफ जहीर, इनके प्लेस तो बहुत देखे होंगे तुमने। अच्छा, एकदम से मुस्कुराहट आ गई ना, सब कुछ एकदम सही सही सा लग रहा है। मुझे देख के यू नेवर स्माइल, तो चलो इनको देखते हैं अचानक। यस, हाँ प्लेस तो मैंने देखे, इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस। तुम तो बहुत हैंडसम आदमी हो यार, तो वेरी गुड लुकिंग मैन। तुम रिलैक्स हो, कोई इश्यू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम, तुम थोड़ा क्लोज होके बैठ जाओ, थोड़ा सा क्लोज हो जाओ। वो बेचारा अभी से शिवर कर रहा था। नहीं नहीं, शिवर करेगा, तुम थोड़ा सा क्लोज हो जाओ, अभी सही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्त? नहीं, नहीं सर। पक्का? अच्छा मुझे बताओ, इनकी फिल्म देखने जाओगे? बोल। बिल्कुल सर। सर तुम मेरे साथ चलना बोल देखने यार, हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे। सही है, हमारी टीम जाएगी बोल देखने, तो तुम हमारे साथ चलना। या बोल, साथ में बैठ के देखेंगे, फिर खराबियां निकालेंगे, फिर मैमो को वहीं से फोन करेंगे, ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें कोई इंटरव्यू, ठीक है? पक्का? आपके पास नंबर होगा, मेरे पास तो नंबर नहीं। नहीं, मैमो का फोन, ओ मैमो को फोन मैं करूंगा, तुम नहीं करोगे? वही। हेलो। मैं आपको, देखिए मैं नंबर दे नहीं सकता, वरना मैं जरूर दे देता आपको मैमो का नंबर। आई एम रियली सॉरी, बट टेल मी, वैसे क्या करते हो तुम? सर कुछ नहीं, फायरिंग हूं मैं।
पहले जॉब करता था मेडिकल स्टोर पे। अब मेडिकल स्टोर। अब क्या करते? अभी कुछ भी नहीं, अभी मेरा डायलिसिस होता है थ्राइस अ वीक, 3 दिन तो डायलिसिस पे जाते हैं, संडे को होता है। तुम्हारा किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है? जी। उसमें क्या एक्सपेंस है? तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए। 10 से 12 लाख रुपए। तो आपके डायलिसिस का कौन एक्सपेंस उठाता? पहले घर वाले उठा रहे थे, भाई उठा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने फ्री कर दिया मेरा। अब वो फ्री करते हैं? किडनी सेंटर में डायलिसिस। किडनी सेंटर में डॉक्टर दीप रिजवी का जो है उस किडनी सेंटर के अंदर? हां, किडनी सेंटर इज हियर जिन हॉस्पिटल के। वो तो एसआईयूटी है। वो एसआईयूटी है। ये किडनी सेंटर जो यहां पे है, यहां पर फ्री करते हैं जी। ओके, तो वैसे तो मैं चलने फिरने में कोई दुश्वारी तो नहीं? बिल्कुल ठीक रहते हो, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल नहीं लगता, मगर यू माशाल्लाह बिल्कुल एकदम फिट। तो अपनी स्पिरिट को कैसे जिंदा रखते हो, कैसे एकदम से बिल्कुल सही रहते हो? रोज मरता हूँ सर, रोज जीता हूँ, समझे, वो वाली मिसाल है। अम्मी है बस, वही हौसला देती है। दस साल की उम्र से डायबिटिक हो गई थी, उस वक्त से इंसुलिन लगता है, खुद ही लगाता हूँ, इंसुलिन भी खुद लगा लेता हूँ, चेक भी शुगर को कर लेता हूँ। डॉक्टर बन गया, समझे, आता डॉक्टर बन चुका हूँ। एक काम करते हैं ना, इस बार वर्क गोइंग टू हमारी टीम है, मैं हूँ, हम लोग कुछ करते हैं तुम्हारा ना, ठीक है? आई प्रॉमिस यू कि आज से हम तुम्हारे लिए काम करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरे बड़े डॉक्टर्स जानने वाले हैं, डॉक्टर से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, तुम्हारी तरह से बहुत पुरानी दोस्ती है। तो आई नो अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जरूर हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। लेकिन अगर आप ये शो देख रहे हैं और आप आसिफ की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ आपको आसिफ का नंबर मिल जाएगा। कम फॉरवर्ड, हेल्प हिम आउट, इसको 10 से 12 लाख रुपए की जरूरत है। हम तो कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे, आई एम श्योर के हो जाए, लेकिन आई एम रिक्वेस्टिंग यू एज पाकिस्तानीज, एज ह्यूमन बींग्स, जहां जहां आप, इट डजंट मैटर कि आप कौन हैं, आप अगर हिंदुस्तानी और मेरा शो देख रहे हैं तभी आप हेल्प कर सकते हैं, आप अगर पाकिस्तानी और मेरा शो देख रहे हैं तभी आप हेल्प कर सकते हैं। वाई एम आई आस्किंग यू टू डू दिस? आई नॉर्मली डोंट डू दिस ऑन माई शोज, वाई एम आई आस्किंग यू टू डू दिस? मैं तो शायद तकलीफ बर्दाश्त कर लूं, ये भी शायद तकलीफ बर्दाश्त कर लूं, लेकिन जो तकलीफ मां को होती है वो बर्दाश्त नहीं। तो हमको एक मां को उसका बेटा वापस देना, लेट्स सी कि क्या होता है, लेट्स सी कि हमारी आवाज पे कौन कौन आता है। बट आई प्रॉमिस यू दोस्त, सब हो जाएगा, नो वरीज, नो वरीज।